Hey guys, so now we will discuss कि कैसे आप टेस्ट सीरीज परचेस करने के बाद टेस्ट को अपियर कर सकते हो राइट right? सो so जब आपने टेस्ट सीरीज परचेस की थी तब आपको यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिल गया था जिसकी मदद से आप लॉग इन करोगे as soon as you log in आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा मैंने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लिया है और ये मेरा पेज ओपन हो चुका है राइट right? अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको ये जो टेबल है इसमें पूरा आपका टेस्ट का जो आ, टोटल काउंट है और कितने टेस्ट अपियर कर चुके हैं वो आपको दिखेगा जैसे आ, मेरा जो टोटल टेस्ट है वो वन जीरो डबल नाइन ये मेरा टोटल टेस्ट अलॉटेड है मैंने कितने टेस्ट अपियर कर लिए है दैट इज वन जीरो एट फाइव और मेरे कितने टेस्ट रिमेनिंग है ओनली फोर्टीन टेस्ट इज रिमेनिंग तो इसी तरह से आपको भी अपने टेस्ट का क्या काउंट चल रहा है कितने टेस्ट अपियर हो गए हैं वो यहां पे आप देख सकते हो मॉनिटर कर सकते हो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक टेस्ट को दो बार अपियर करते हो तो वो आपके टोटल काउंट में से माइनस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेस्ट नंबर वन को ही दो बार रिपीट कर लेते हो तो वो टोटल टेस्ट में से दो टेस्ट डिडक्ट हो जाएंगे आई आई होप एम क्लियर सो वन वन टेस्ट यू कैन अपियर ओनली टाइम आप रिपीट करते हो आपकी मर्जी से तो वो डबल काउंट की जाती है राइट right? अब मुझे अगर टेस्ट देना है तो मैं प्रोसीड टू टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ जैसे ही मैं प्रोसीड टू टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ मैं ये वाला पेज अपने सामने आ, अपियर होता हुआ देखूंगी और सपोज मैं यूपीएससी ओपीएससी का कोई टेस्ट अपियर करना चाहती हूँ जो आज शेड्यूल्ड है मैं टेस्ट टेस्ट में जा रही हूं क्योंकि मुझे आज का अपियर करना है अगर आपको प्रीवियसली कोई मिस्ड टेस्ट है जो आपने मिस कर दिया था वो अपियर करना है तो आप प्रीवियस टेस्ट के कॉलम में जाके अपने रिस्पेक्टिव कोर्स को चूज करके सिलेक्ट करके अपियर कर सकते हो मैं आज का टेस्ट अपियर करना चाहती हूँ इसलिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े एंड आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया बिकॉज आई द रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने स्टार्ट टेस्ट टेस्ट पे क्लिक किया और क्योंकि मैं ये टेस्ट को दोबारा रिपीट कर रही हूं दिस इज अटेम्प्ट फॉर द टेस्ट राइट मैं इसीलिए इसको स्टार्ट अगेन कर रही हूं अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डायरेक्टली ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा मैं स्टार्ट कर रही हूं टेस्ट दीज आर द क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पे अपियर हो रहे हैं मैंने ये क्वेश्चन वन बाय वन देखा मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया अगेन आई डू द सेव एंड नेक्स्ट एंड देर आर क्वेश्चन है तो आई कैन इरेज द आंसर एंड चेंज द आंसर और आई कैन मार्क इट फॉर द रिव्यू अगर आपको डायरेक्टली कोई और क्वेश्चन पे जंप uh, करना है तो आप यहां से देख सकते हो अगर आप फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हो डायरेक्टली मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 80 पे क्लिक कर सकती हूँ राइट right?

तो यहां पे आपको सारे टेस्ट का जो है करेक्ट आंसर शो कर दिया जाएगा वन बाय वन यू कैन चेक द करेक्ट आंसर टू ऑल द क्वेश्चन राइट नाउ मैं इस टैप को बंद कर रही हूं और मैं अपने होम पेज पे वापस आ गई हूं अब यहां पे आप एक और चीज कर सकते हो अगर आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हो आप अगर स्कोर बोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये सारे टेस्ट जो आपने पहले अपियर किए हैं उसका जो स्कोर बोर्ड है वो आपको दिख जाता है राइट right? तो ये मेरे प्रीवियसली अपियर टेस्ट है जिसका स्कोर बोर्ड खुल चुका है uh, मैं इस टेस्ट को uh, फिर से एक बार देखना चाहती हूँ अफकोर्स जैसे मैंने कहा था आप उसको टेस्ट को दोबारा अपियर नहीं कर सकते लेकिन रिव्यू कर सकते हैं है ना तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेस्ट को देखना चाहती हूँ कि मेरा क्या परफॉर्मेंस था क्या करेक्ट आंसर थे एक्सेट्रा तो मैं इसको व्यू रिजल्ट पे जाऊंगी जैसे ही व्यू रिजल्ट पे जाऊंगी मैं आंसर शीट पे जाऊंगी आंसर शीट पे मैंने व्यू सॉल्यूशन पे टिक किया और इस टेस्ट का जो है वो रिव्यू ऑप्शन जो है वो यहां पे अपियर हो गया राइट right? ये उसका एक्सप्लेनेशन है मैंने क्वेश्चन चेंज किया ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है एंड सो ऑन सो so, आप अगर अपियर नहीं भी कर सकते हैं तभी भी यू कैन गो एंड एनालाइज द मिस्टेक एंड यू कैन मेक द करेक्शन अकॉर्डिंगली आपने जहां भी गलती की है और जैसे भी आपका जो एक्सप्लेनेशन था उसको देख के भी आप हेल्प ले सकते हैं अपना आंसर करेक्शन में राइट सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें ऑफिस नंबर पे या हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स थैंक यू सो मच